अयाज जी छोटू बाहर हो जाए, इतना लेट होली के दिन। अरे लो नहीं, मैं लेट तो नहीं था, मैं सोचा कि जो है 5 बजे से इस कार्यक्रम का जो है शुभारंभ था, तो मैंने कहा कि जो है 5 बजे का मतलब भारत में जो है, जो 5 का मतलब 6, और चूंकि फिर शाम को ट्रैफिक भी हो जाती है, तो मैंने कहा कि चलो अभी जो है थोड़ा सा एक दो मीटिंग भी थी, तो मीटिंग मैं फ्री माइंड आया, ऐसा नहीं कि जो उधर से मालूम चला कि मैं यहाँ पे आके उधर से मीटिंग के लिए कॉल आ रहा है, तो मैं पूरा फ्री होके आया हूँ। लास्ट तक रंग खेलेंगे और कुछ करेंगे, नहीं रंग खेलेंगे, मस्ती करेंगे और थोड़ा थोड़ा जो है हम लोग जो है भांग भी पियेंगे, भांग जरूरी है, भांग है ना तेरी का। अभी आप जिसको इशारा कर रहे हैं उन्हीं को शामिल करते हैं आपके साथ में। आइए सर, सर आपके चेहरे पे इतना कलर और आया भाई एकदम खाली। एक्चुअली मैं भी थोड़ा देर पहले अभी आए हैं, लेकिन बाहर ही हैं, आप लोग छोड़ेंगे फिर ये हमारे महफिल में शामिल होंगे, फिर इनके भी चेहरे पे लाल गुलाल, पूरी चेहरे का है ना, चेहरे का रंगत बदल जाएगा। आपके चेहरे पे गाल पे लाल गुलाल है और सर का खाली, क्या आप दूसरों बात लगाना चाहेंगे? अरे बिल्कुल लगाएंगे, लेकिन अभी अभी भी नहीं है ना, लेकिन उपाय है, उपाय है, उपाय है, देखिए लग गया। कल बेस्ट विलेन का आपको अवार्ड मिला है सर, कितना संतुष्ट है अपने काम से? देखिए क्या होता है, एक कलाकार कभी संतुष्ट नहीं होता, और मैं तो जो भी काम करता हूँ, और मुझे लगता है कि मेरी हर फिल्म मेरे लिए नया है, एक डर सा लगा रहता है, क्योंकि मुझे खुद से कंपटीशन होता है, मैं खुद से लड़ता हूँ कि मुझे ऐसा काम करूँ, ऐसा काम करूँ, कैसा काम करूँ, ये किया हूँ तो इससे भी बेहतर करूँ, तो मुझे अपनी जो है अपनी चीज़ों से एनालिसिस करता हूँ, और अपने जो सीनियर्स एक्टर हैं उनसे भी सीखने की कोशिश करता हूँ, और अल्लाह का शुक्र है आप सभी लोगों का प्यार आशीर्वाद दुआएं हैं कि मुझे जो है बेस्ट विलन का अवार्ड मिला, और मैं यही चाहूँगा कि आप लोग ऐसे ही मुझे प्यार आशीर्वाद देते रहें, और भी ज़िंदगी में और तरक्की करूँ और नाम कमाऊँ। अयाज खान बचपन में कैसे होते थे? बचपन मालूम क्या कहते थे, पिचकारी था प्लास्टिक वाला, वो तो बड़े कम पैसे से तो मिलते नहीं थे, कैसे कैसे पैसे जुगाड़ के जो है प्लास्टिक में जो है, तो इतना था कि कलर भी नहीं होता था, पानी भर के पानी भर के, और उस और जो था स्याही, पहले लोग स्याही मिलता था जो लिखने के लिए, तो क्या करते थे हम लोग स्याही में जो है बोतल में घोरे देते थे और उसी को फेंकते थे, और हाँ और दूसरा पहले जो पेन आता था नीब रहता था उसमें, तो उसमें भर देता था इसे सब पीछे से यार पता भी नहीं चलता था पीछे से रंग दिए, तो बचपन की चीज़ें तो कमाल की थी वो सब। आजकल का वो प्यार मालूम है, वो सब प्यार हमारे देश से गायब हो गया, जो प्यार वो संस्कार वो जो है मन में जो एक ना, वो चीज़ें नहीं रह गई हैं, अभी थोड़ा सा दिखावा ज़्यादा हो गया है, प्यार कम हो गया है, देश में नहीं हो रही इंडस्ट्री में तो है ना, ये भी तो हमारे देश में ही है। अयाज भाई लेकिन इस बार कोरोना वायरस की तरफ से वो फैला है, तो देश के प्रधानमंत्री ने बोला कि होली संभल के खेले, ज्यादा भीड़ भाड़ इलाके में ना जाए, क्या कुछ कहना चाहेंगे अपने फैंस को, क्या सलाह चाहेंगे? अच्छा ही बताइए, मैं बोलूं? बोलिए सर। बोले हैं कि भीड़ मत जाइए, ये मुंबई है, यहाँ जो है सुबह जब 4 बजे ट्रेन खुलना शुरू होती है ना, तो 7 बजे जाते जाते मालूम है इतनी भीड़ होती है, 9, 10, 11 बजे शायद, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, मैं फिर उस हो जाएगा कि जो है मैं किसी के खिलाफ बुलाऊँ, लेकिन ये आप लोग भी इसी शहर में रह रहे हैं, सत्यता ये है कि जब आप लोकल ट्रेनों या मुंबई की बसों में चले जाएंगे या रेलवे स्टेशनों पे आप चले जाएंगे, तो वो धक्का मुक्की, वो घसड़न, हाथ क्या और जो है कलाई क्या, पूरी बॉडी एक दूसरे की टच होती है, अगर बिल्कुल बिल्कुल मैंने बहुत सफ़र किया, ऐसा नहीं है, मैं भी जब स्ट्रगल टाइम में जो है ट्रेनों का बहुत सफ़र किया, और अब कभी कभी ऐसा सिचुएशन हो जाता है कि हम लोगों को कहीं जो है दूर शूटिंग करने जाना होता है और टाइम बहुत कम रहता है, ट्रैफिक से बचने के लिए हम लोग लोकल यूज़ करते हैं, तो मैं बता दूं कि लोकल में इतनी भीड़ कहां कहां हम भीड़ से बचेंगे, वो बड़ा मुश्किल है, कहना आसान है लेकिन सत्यता ये कि बचना मुश्किल है। प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube app एंड नेवर मिस अनदर अपडेट।